नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर, जहां पर आपको सभी टेट एग्जाम और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी संपूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पर कराई जाती है। आपको पता है कि अगर आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, तो उसमें संस्कृत पैडागॉजी से क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं आपको डेली दोपहर को 3 बजे प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुछ बेसिक पैडागॉजी की थ्योरी भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से तो बनते हैं, कहीं अलग से तो बनते नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अथराइज नोट्स से मैं आपको बताने जा रही हूँ आज संस्कृत शिक्षण के, क्योंकि क्वेश्चन से बनते हैं कि निम्न में से कौन से उच्च प्राथमिक स्तर पर या संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, फिर ऑप्शन दे देगा, इस तरह से करके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य, उच्च माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य इस तरह से, और उच्च शिक्षा में संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, और बहुत ही शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो बिल्कुल भी आपका टाइम इसमें वेस्ट होने वाला नहीं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए प्लीज़। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा शिक्षण के अगर सामान्य उद्देश्य की बात की जाए ओवरऑल में, मतलब कि किसी भी लेवल वाइज कैटेगराइज नहीं किया जाए, तो यहाँ पे यही है कि शुद्ध सरल प्रभावशाली भाषा में इंसान अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, छात्रों को इस योग्य बनाना कि उचित भाव भंगिमा के साथ वाचन है, काव्य कला, अभिनय कला, इन सब का आनंद जो है वो प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त करना, मनोरंजन के लिए पढ़ना लिखना सिखाना, ये सारा इसका मेन उद्देश्य है। ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पुस्तकों में निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कराना, ये सारा इसका उद्देश्य हो जाता है। ये क्रमबद्ध विचार प्रणाली और भाव विभंजन में दक्ष बनाना, ये सामान्य उद्देश्य है। बालकों के शब्दों वाक्यांशों लोकोक्तियों आदि के कोष में, यानी कि वो कैप पोर्शन स्ट्रांग करना, शुद्धता और गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना, ज्ञान क्षेत्र विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र निर्माण करना, संस्कृत टीचिंग का एक बहुत मेन उद्देश्य ये भी है, ठीक है। अलग अलग शैलियों का परिचय कराना, साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना कि साहित्य किसका वो सृजन करें, ठीक है, नए साहित्य रचें, ऐसा करके जिससे वो अपनी छुट्टियाँ जब होती हैं तो उसका वो सदुपयोग कर पाएँ, बालक के मानव स्वभाव और चरित्र के अध्ययन के अवसर प्रदान करना, उन्हें भावानुकूल, ये क्योंकि सामान्य उद्देश्य है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ये सब कुछ आपके अब जब कैटेगराइज वाइज मैं पढ़ाने वाली हूँ उसमें आएंगे आपके घुमा फिरा के। तो चलिए अब कैटेगराइज करके देख लेते हैं। अगर आता है कि प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, तो संस्कृत शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। पहला उद्देश्य तो ये कि छात्रों को योग्य बनाना कि वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए सरल गद्य खंडों को शुद्ध शुद्ध पढ़ सके, यानी कि अगर सरल संस्कृत भाषा में कुछ लिखा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर है ना तो बहुत कठिन वाला नहीं चाहिए, तो सरल गद्य खंड कुछ लिखे हैं तो उसको शुद्ध उच्चारण करते हुए शुद्ध पढ़ सकें। इस योग्य बनाना कि जो संस्कृत के सरल श्लोक हैं उनका वो शुद्ध उच्चारण कर सकें, उनका पाठ कर सकें, कहीं पर कुछ भी वो पढ़ रहे हैं संस्कृत में श्लोक वगैरह, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को कंठस्थ करने की प्रेरणा देना भी एक उद्देश्य है, इसीलिए कुछ श्लोक याद कराए जाते हैं, ठीक है। उन्हें इस योग्य बनाना कि वे संस्कृत के गद्य खंडों श्लोकों के मुद्रित रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक अपनी पुस्तिकाओं में लिख सके, यानी कि अगर कहीं पे लिखा है उसे देख के वो उतार सके, एज इट इज़ लिख सके, देखकर, प्राथमिक स्तर की बात है ना, तो देखकर लिख सके। छात्रों में यह योग्यता भी उत्पन्न करना कि वे कंठस्थ किए हुए श्लोकों को उनके मुद्रित रूप में शुद्ध शुद्ध लिख सके, इस योग्य भी बनेगी अगर वो याद किए हैं, पहले से याद कर चुके हैं तो याद किया हुआ श्लोक वो अपनी शुद्ध शुद्ध रूप में लिख सके, क्योंकि संस्कृत में शुद्धता का बहुत महत्व है लेखन में। श्रुत लेख लिखने का अभ्यास कराना कि सुनकर वो लिखे, इसका उन्हें अभ्यास कराना, इसके लिए उन्हें सरल सरल शब्दों को दिया जाता है। इस योग्य बनाना कि मातृभाषा के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर सकें। संस्कृत के सरल गद्य खंडों सरल श्लोकों को समझने की योग्यता प्रदान करना, और छात्रों को यह योग्यता प्रदान करना कि वह आवश्यकता अनुसार सरल संस्कृत वाक्यों और श्लोकों को मातृभाषा में अनुवाद कर सके। यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आपका कि इस स्तर पर, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे संस्कृत भाषा में बात करें, ये बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं होगा कि वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करके बात कर सकें। अब अगर आते हैं हम यहाँ पे माध्यमिक स्तर पर, तो माध्यमिक स्तर में क्या होता है कि बच्चे नॉर्मली पढ़ चुके होते हैं, वो 6th, 7th, 8th लेवल पे संस्कृत ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो उनमें इतनी योग्यता तो आ जाती है कि जो हमने ऊपर उद्देश्य पढ़ा था ये उद्देश्य पूरे हो चुके होते हैं, ये योग्यता आ जाती है। अब इस स्तर पर जो है वो थोड़ा सा उद्देश्य चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है कि संस्कृत के सरल ही नहीं बल्कि कठिन गद्य खंड हैं
उनको भी उचित विराम शुद्ध उच्चारण के साथ वो पढ़ सकें। संस्कृत भाषा में लिखे हुए बड़े बड़े वाक्य को भी उचित अनुवृत्तियों के में विभक्त करके पढ़ सकें, यानी बड़े बड़े शब्द आ जाएँ, बड़े बड़े वाक्य आ जाए तो वो भी उनको पढ़ सकें। संस्कृत श्लोकों को उचित लय, मात्रा, विराम में ध्यान रखकर पढ़ने की योग्यता प्रदान करना, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, मतलब कि नॉर्मली उसको गा सके, छंदों का पाठ कर सके प्रॉपरली अच्छे से, जितनी भी विधाएं होती है उसमें। संस्कृत के सरल साहित्य से छात्रों को परिचित कराया जाए जिससे वे संस्कृत साहित्य के आनंद की अनुभूति कर सके, तो यानी इस लेवल पे साहित्य भी आ जाता है, उनके साहित्य से भी उनको परिचय कराया जाता है। अब संस्कृत के महत्वपूर्ण श्लोकों को कंठस्थ करने की प्रेरणा भी इस स्तर पर दी जा सकती है, दी जाए, ताकि मातृभाषा के माध्यम से अपने वार्तालाप में आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि मातृभाषा के माध्यम से मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोग बातें करते रहते हैं, हम बात तो हिंदी में करते रहते हैं लेकिन कभी कोई बात आती है तो कोई दोहा बोल देते हैं या फिर मतलब संस्कृत का कोई श्लोक बोल देते हैं, है ना, उसे हम कहावत के रूप में यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आवश्यकता पड़ने पर अपनी बात की पुष्टि के लिए, अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए संस्कृत के श्लोक बोल सकें। संस्कृत साहित्य के सरल अंशों को मातृभाषा में अनुवादित करने की क्षमता प्रदान करना जिससे वे जन समुदाय को संस्कृत साहित्य के अमृत का पान कर सकें, ठीक है। साहित्य के जो सरल अंश है उसको अपनी मातृभाषा में वो अनुवाद कर सकें ताकि वो उसको समझ सकें, संस्कृत साहित्य भी थोड़ा बहुत समझ सकें। मातृभाषा के सरल अनुच्छेद हैं, सामान्य वाक्य है, इसको वो संस्कृत में अनुवाद कर सकें। सरल विषय पर संस्कृत भाषा के संक्षिप्त निबंध के रूप में कुछ वाक्य लिख सकें, है ना, जैसे 10 वाक्य संस्कृत में लिखिए किसी भी टॉपिक पे। यदि संभव हो तो संस्कृत के कुछ सरल वाक्य को बोलने की क्षमता प्रदान करना, संभव हो तो, नॉट नेसेसरी, ठीक है, अगर पॉसिबल हो आप छोटे छोटे वाक्य रटा सकते हैं तो रटा दीजिए, अच्छा बात है, ताकि उसे शुद्ध रूप से बोल सके। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो होती है कि ध्यान देने योग्य बात है कि संस्कृत में बोलने की क्षमता प्रदान करना संस्कृत शिक्षण का मध्य स्तर पर उद्देश्य नहीं बनाया गया है, यानी ना तो प्राथमिक स्तर पर, ना तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे माध्यमिक स्तर तक का ही पूछेगा, तो दोनों ही लेवल पे संस्कृत भाषा में बोलने की क्षमता प्रदान करना उद्देश्य नहीं है संस्कृत शिक्षण का, क्योंकि ये वर्तमान परिस्थितियों में संभव भी नहीं है। संस्कृत में अभी कौन बात करता है, अनेकाएक विषयों के जाल में फंसे हुए छात्र ऑलरेडी बच्चों के ऊपर पढ़ाई का, इतने सारे सब्जेक्ट का इतना बर्डन है, इतनी सारी लैंग्वेज भी पढ़नी, उन्हें हिंदी पढ़नी, इंग्लिश भी पढ़नी, सब कुछ है, तो उनसे ये उम्मीद करना है कि अब वो शुद्ध संस्कृत में बढ़िया बात भी करें जैसे नॉर्मली मातृभाषा में बात करते हैं, ये उम्मीद करना तो मतलब पागलपन है, ऐसी उम्मीद नहीं किया कि ऐसा उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए और इसकी आवश्यकता भी नहीं है आज की जन संस्कृति में, मतलब यूज़ ही नहीं होती है संस्कृत में कोई भी, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका आता है कि उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि हाई लेवल के, तो हालांकि ये क्योंकि इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है, सीटेट में तो आपका माध्यमिक तक ही पूछता है, इंक्लूड इसलिए किया है ताकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो इससे ऊपर लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है। तो उच्च स्तर पर संस्कृत शिक्षा के उद्देश्य निम्न होने चाहिए, देखिए पहले तो सरल और कठिन चाहे जिस टाइप के गद्य खंड हो उनको उचित विराम और उच्चारण सहित पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए, सभी प्रकार के श्लोकों को पूरे लय के अनुसार वो पाठ कर सकें, संस्कृत के अगाध साहित्य का अवगाहन करने की क्षमता प्रदान करना, भाषा और साहित्य के प्रति अनुसंधात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना, यानी कि हाँ इस लेवल में वो साहित्य में भी मतलब अच्छे होने चाहिए, साहित्य पोषण भी उनका स्ट्रांग होना चाहिए, संस्कृत साहित्य का मातृभाषा में अनुवाद करने की क्षमता प्रदान करना, इतना कैपेबल होनी चाहिए, इतनी अच्छी संस्कृत उनकी हो जानी चाहिए इस लेवल पे कि वो संस्कृत साहित्य का अनुवाद अपनी मातृभाषा में पूरी तरह से कर सकें, मातृभाषा के सभी प्रकार के वाक्य साँचों को संस्कृत में अनुवादित करने की योग्यता, यानी कि मातृभाषा में हम जितनी भी, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारे वाक्य वो संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकें, ये योग्यता होनी चाहिए उच्च स्तर पर। तो ये मेन था, आवश्यकता अनुसार उचित अवसरों पर संस्कृत भाषा में बोलने की क्षमता प्रदान करना, तो उच्च स्तर पर ये भी बोलने की क्षमता भी आपकी आ जाती है संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य में, आवश्यकता अनुसार, इसलिए क्योंकि आजकल आवश्यकता पड़ती नहीं है जनरली हिंदी इंग्लिश के आगे, लेकिन क्योंकि संस्कृत सब लोग समझते भी नहीं है तो बोलने का फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई अवसर है तो वहाँ पे वो संस्कृत भाषा में बात भी कर सके, बोल भी सके, ये उद्देश्य। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा टॉपिक, और अगर पसंद आया है तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।